प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा आज हम दसवीं कक्षा के विज्ञान का सोलहवा अध्याय प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम क्या कुछ जानते हैं प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वायु मृदा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं भिन्न भिन्न घटकों का प्रकृति में बार बार आना जाना किस प्रकार होता है मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित करना विभिन्न पर्यावरण की समस्याएं वन तथा वन जीवन का महत्व अब हम देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे तीन आर का सिद्धांत हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है वन एवं वन्य जीवन जल का महत्व इसकी आवश्यकता बांध एवं जल संग्रहण कोयला एवं पेट्रोलियम तीन आर का सिद्धांत पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा रिड्यूस अर्थात कम उपयोग रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रण रीयूज अर्थात पुनः उपयोग यह क्या बताते हैं रिड्यूस कम उपयोग इसका अर्थ है आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए आप बिना किसी आवश्यकता के चल रहे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है रिसाइकल अर्थात चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक कागज़ कांच धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए जब तक अति आवश्यक ना हो इनका नया उत्पादन विवेकपूर्ण नहीं है इनके चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाएं। रीयूज अर्थात पुनः उपयोग यह चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों को लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है बच्चों केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं जैसे भोजन कपड़े पुस्तकें खिलौने फर्नीचर औजार तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है वह है ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है परंतु यह ऊर्जा पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती है हमें अपने संसाधनों की सावधानी पूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है बच्चों यह ग्राफ गंगा जल में संपूर्ण कॉलीफॉर्म गणना स्तर दिखा रहा है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 सौ किलोमीटर तक की यात्रा करती है इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश बिहार तथा बंगाल के सौ से भी ज्यादा नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप हैं नहाना कपड़े धोना मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना यही नहीं उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है इसके विशैले जल में मछलियाँ मरने लगी आदि अन्य संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में उत्पन्न एक नया आयाम है अब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ नए कदम लिए जाते हैं आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा कई करोड़ की यह परियोजना करीब उन्नीस में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी कॉलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव के आंत्र में पाया जाता है जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है वन एवं वन्य जीवन वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है जीवों के विभिन्न स्वरूप भी महत्वपूर्ण हैं वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है प्रयोगों और वस्तुस्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाता है बच्चों जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं इसके सबसे पहले दावेदार हैं वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग जो अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं इसके दूसरे दावेदार हैं सरकार का वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं इसके तीसरे दावेदार हैं उद्योगपति जो तेंदू पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते इसके चौथे दावेदार हैं वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या हैं अथवा वन से क्या प्राप्त होता है स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है बांस का उपयोग झोंपड़ी बनाने भोजन एकत्र करने खेती के औजार मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यक्ति फल नट्स तथा औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों से एकत्र करते हैं क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे अंग्रेज़ों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेज़ों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही इसलिए वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन टीक अथवा यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया बच्चों क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं टिम्बर कागज लाख तथा खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं है परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर चीता हाथी एवं गेंडा से हुआ था अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है परंतु क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति को नष्ट करने के लिए एक छोटी सी कोशिश का हिस्सा है यह आंदोलन 1970 के प्रारंभिक दशक में हिमालय के ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से प्रारंभ हुआ था यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर जिसे चिपककर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका इसलिए ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा दीर्घकालिक प्रबंध दीर्घकालीन प्रबंध केवल उन संसाधनों का उपयोग करना ही नहीं जो उपलब्ध हैं यद्यपि यह भी है कि यह संसाधन सभी दावेदारों में बराबर बांटे जाएं, ताकि केवल उनके लिए जो अमीर हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं सभी दावेदार मिलकर ही दीर्घकालिक प्रबंध करते हैं सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है इन संसाधनों का प्रबंध करने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए गैरकानूनी कार्यों पर रोक लगानी चाहिए और सज़ा देनी चाहिए उद्योग भी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में सहायता कर सकते हैं जैसे वृक्ष लगाना नियमों का पालन करना कूड़े करकट का सही निपटान और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बदले उनकी कीमत देना बच्चों हम भी इसमें योगदान डाल सकते हैं तीन आर के नियम का पालन करके अर्थात रिड्यूस री यूज सभी के लिए जल धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है जल का उपयोग कृषि उद्योगों पीने के लिए खाना बनाने के लिए नहाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए किया जाता है हमने पिछली कक्षा में संसाधन के रूप में जल के महत्व तथा जल के चक्र के बारे में पढ़ा है वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता भारत में वर्षा मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर करती है इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफ़ी कमी आई है फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित करके इसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है बांध जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था तथा जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था बांध बच्चों हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है उदाहरणतः इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है बांध बाढ़ आने से भी रोक सकते हैं कुछ अन्य बांधों के नाम जैसे भाखड़ा नंगल डैम सरदार सरोवर डैम टिहरी डैम आदि विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं जिन्हें इन परियोजनाओं में कोई लाभ नहीं होता तथा उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य ही पढ़ा होगा जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः तीन समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है पहली समस्या है सामाजिक समस्या क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता इसकी दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है तीसरी समस्या है पर्यावरणीय समस्या क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है जल संग्रहण जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया गया है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है वरण सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है निचले बांध एवं जलाशयों का सेवाकाल भी बढ़ाता है जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है राजस्थान में खादिन बड़े पात्र एवं नाड़ी महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बांधिस बिहार में आहार तथा पाइन हिमाचल प्रदेश में कुल्ह जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस इत्यादि प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय क्षेत्र को होता है स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अति दोहन कम होते हैं लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ इन्हें कुल कहा जाता है झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है इन कुल से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे कुल की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए दो अथवा तीन लोग रखे जाते थे जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे सरकार द्वारा इन कुल के अधिग्रहण के बाद इसमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए तथा जल के वितरण की आपस की भागीदारी की पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई कोयला एवं पेट्रोलियम अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवनोपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं ऊर्जा संबंधी यह आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है सैंतीस प्रतिशत विद्युत कोयले से बनती है क्योंकि कोयला अन्य संसाधनों से सस्ता है परंतु जब हम कोयला एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में विचार का एकमात्र आधार नहीं है क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं अपर्याप्त वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी जिससे तीव्र वैश्विक उष्मण होने की संभावना है इसलिए इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है यदि हम इनकी संभाल नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हमें ऊर्जा की बचत करने के लिए बहुत कार्यों की आवश्यकता है जैसे विद्युत की कम खपत करके तीन आर का नियम अपनाकर बस में यात्रा अपने वाहन प्रयोग में लाना या पैदल अथवा साइकिल पर चलना अपने घरों में बल्ब फ्लोरसेंट ट्यूब का प्रयोग करना लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का प्रयोग करना सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर दूसरों के साथ ऊर्जा को बचाने की साझेदारी इन सब चीज़ों को अपनाकर हम ऊर्जा बचा सकते हैं तोहराई हमारे संसाधन जैसे कि वन वन्य जीवन कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग दीर्घकालिक समय के लिए करने की आवश्यकता है कम उपयोग पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण की नीति को अपनाकर हम पर्यावरण पर उत्पन्न होने वाले दाब को कम कर सकते हैं वन स्रोतों का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए जल संसाधनों के संग्रहण हेतु बांध बनाने में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं आती हैं बड़े बांधों का विकल्प उपलब्ध है यह स्थान क्षेत्र विशिष्ट हैं तथा इनका विकास किया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के संसाधनों का नियंत्रण सौंपा जा सके जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे इनकी मात्रा सीमित है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है अतः हमें इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूं कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे मेरा पहला प्रश्न है तीन आर का पूरा नाम बताएं तो इसका सही उत्तर है रिड्यूस अर्थात कम उपयोग रीयूज अर्थात पुनः उपयोग एंड रीसाइकल अर्थात पुनः चक्रण मेरा अगला प्रश्न जंगल से प्राप्त होने वाली पांच वस्तुओं का नाम बताएं तो जंगल से प्राप्त होने वाली पांच वस्तुएं हैं लकड़ी रबड़ औषधियाँ लाख तथा शहद मेरा अगला प्रश्न हम बांध क्यों बनाते हैं बांध में बड़ी मात्रा में जल संग्रहण किया जा सकता है और इस जल को हम सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा अगला प्रश्न दो महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन के नाम बताएं। तो दो जीवाश्म ईंधन हैं कोयला एवं पेट्रोलियम प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है मुझे आशा है कि आप सबको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों तंदुरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद